हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपकी मैम रेनू मैम, सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग एक, सप्तमय पाठ, सात पाठ, सर्वनाम ज्ञानम। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं? प्रोनाउंस। नाउन होते हैं एक, संज्ञा, और एक क्या होता है? सर्वनाम होते हैं। जानते हो ना सब, सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। जो शब्द बच्चों संज्ञा के स्थान पर, जब संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जो द वर्ड विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जानते हो ना आप, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसे सह, सह माने वह, तऊ माने वे दोनों, और जैसे ते माने वे सब। अब इनकी जगह नाम भी हो सकता था ना, नाम किसी का, कोई संज्ञा भी हो सकती थी, किसी चीज़ का, स्थान का, या व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम भी हो सकता था, लेकिन उनकी जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। सह माने वह, तऊ माने वे दोनों, और ते माने वे सब। तो ये क्या है? सर्वनाम पद है। जैसे अहम माने मैं, और आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। ऐसे ही त्वम माने तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। तो ये सब क्या है? और ऐसे ही होता है सर्व, सर्व माने सब, ये सब, ये शब्द भी सर्वनाम शब्द है। इदम, इदम क्या है? यह, ये शब्द भी सर्वनाम शब्द है। तो हम तत्पुल्लिंग जानते हैं, पुल्लिंग के एकवचन इसमें है, वह लड़का खेलता है। सह बालः क्रीडति, सह, सह क्या है यहाँ? सर्वनाम। वह लड़का खेलता है, तो यहाँ संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग हुआ हुआ है। सर्वनाम शब्द बच्चों, आपको पहले बता दूँ, सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं, और इनके रूप भी तीनों वचनों में ही चलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने पर सर्वनाम क्या होते हैं? हमेशा विशेषण बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं सर्वनाम शब्द। और निम्नलिखित सर्वनाम के प्रयोग को हम जानते हैं और इन्हें समझते हैं। ये दो लड़कियां खा रही हैं, तो ये सा ते, और बहुवचन में ता होता है स्त्रीलिंग में रूप, तो सा ते, वे दो लड़के बाले खादतः। यहाँ है वे सब लड़कियां जाती हैं, तो ता बाला गच्छन्ति, वो सब लड़कियां जाती हैं। तत् स्त्रीलिंग के बारे में जाना। अब हम जानेंगे तत् नपुंसक लिंग के बारे में जानेंगे। ये क्या है बच्चों? ये एक पहिया है, चक्र है, तो इसके लिए हम कहेंगे तत् चक्रमस्ति। ये क्या है? ये तत् माने क्या होता है? वह, वह चक्र है। अब ये क्या है? ते पुस्तके स्त, ये दो क्या है? पुस्तके हैं। अब एतत् पुल्लिंग के बारे में जानते हैं हम। एतत् पुल्लिंग में क्या है? एषः मृगः चरति, यह हिरण चरता है। अब इसमें द्विवचन में है, एतौ गजौ खादतः, ये दोनों हाथी खाते हैं। अब ये क्या है? ये बहुत सारे घोड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं? एते अश्वाः सन्ति, ये बहुत सारे, ये सब घोड़े हैं। तो आपने जाना एतत् पुल्लिंग के बारे में जाना, और तत् नपुंसक लिंग के बारे में भी अभी आपने जाना बच्चों। अब हम जानते हैं एतत् स्त्रीलिंग के बारे में। एतत् स्त्रीलिंग क्या है? एषा कोकिला कूजति, यह कोयल कूजती है। इसके चलते एषा कोकिला कूजति, यह कोयल कूकती है। अब ये क्या है? ये दो बकरियां हैं, तो क्या लिखेंगे? एते, और ये क्या कर रही है? चर रही है ये। एते अजे चरतः, ये दो बकरियां चरती हैं। अब क्या है? ये बहुत सारी चिड़ियां हैं, और ये क्या कर रही हैं? उड़ती हैं। तो हम कहेंगे एता चटका उत्पतंती, यानी कि ये बहुत सारी चिड़ियां उड़ती हैं। अभी हम एतत् नपुंसक लिंग के बारे में जानेंगे बच्चों, जो नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। जैसे ये क्या है? गेंद है, तो हम कहेंगे एतत् कंदुकम अस्ति, यह गेंद है। अब ये क्या है? फूल दिख रहे हैं कमल के, तो एते, द्विवचन में दो है ये, तो एते कमल। अब तीनों लिंगों में समान क्या? युष्मद क्या होता है? तुम, युवाम क्या होता है? तुम दोनों होता है। यूयम क्या होता है? तुम सब होता है। और अस्मद में क्या होता है? अस्मद में अहम मैं होता है, और आवाम माने हम दोनों होता है, और वयम माने हम
सब होता है। तो यहाँ शब्द अर्थ है ये कुछ देख लेते हैं, हम इनके बारे में जानते हैं बच्चों। सह पुल्लिंग में सह क्या है, वह, सह माने वह होता है। स्मृति माने क्या होता है, याद करता है। तऊ क्या होता है पुल्लिंग में, वे दोनों होता है। ते पुल्लिंग में वे सब होता है। सा स्त्रीलिंग में सा वह होता है। बाला क्या होता है, लड़की। और हसती माने हंसती है। ते माने वे दोनों। ता माने एषा पुल्लिंग में यह। मृगा हिरण। चरती चरता है। कोकिला क्या होती है, कोयल होती है। अजय दो बकरियां होती हैं, अजय। उत्पतंती उड़ती हैं। पुष्पम होते हैं दो फूल। तो पाठ में आए हुए जो पाठ में आया था कुछ शब्द हैं और उनके अर्थों के बारे में जाना, ये आपको बच्चों याद कर लेने हैं। जब आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपके लिए कार्य बहुत आसान हो जाएगा। आप अच्छे से इन्हें याद भी कर सकते हैं। आप याद कर लीजिए, पाठ में आया हुआ कुछ अभ्यास कार्य करते हैं हम, है ना। ये अभ्यास कार्य हैं, पाठ में आए हुए कुछ शब्द और कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर जानते हैं। सर्वनामस्य परिभाषा लिखो। सर्वनाम की परिभाषा क्या है, क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे सह, तौ, अहम, त्वम आदि। ठीक है, पंच सर्वनाम है लिखत, पांच सर्वनाम आपको लिखने हैं। आप लिख सकते हैं सह, तौ, त्वम, युवाम, वयम, इदम, सर्व। हमने पांच से भी ज्यादा लिख दिए हैं, पांच आप लिख सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है बच्चों, सही उत्तर पर सही। अजय चरता। फिर यहाँ डैश डैश फलानी, तत एतानी तानी, एतानी फलानी। तो इस प्रकार बच्चों पाठ में यहाँ पर हमने सही उत्तर पर सही। एक्सरसाइज नंबर 3 बच्चों, निर्देश के अनुसार हमें वचन परिवर्तन करना है। एषा है बहुवचन में एते, एषा द्विवचन में एते, त्वम द्विवचन में युवाम, एता एक वचन एषः, सह द्विवचन में तौ, और इदम बहुवचन में इमे। तो इस प्रकार बच्चों हमने निर्देश के अनुसार वचन का परिवर्तन किया। अब हम क्या लिखेंगे, ये नपुंसक लिंग में है तो इसको क्या लिख, इदम कंदुकम, सा बाला, और ये इमे पुस्तके। तो इस प्रकार हमने चित्र में देखकर सर्वनाम शब्दों की पूर्ति करी। और अब आपका ये रचनात्मक कार्य है बच्चों, सर्वनाम पदों से आपको एक एक सर्वनाम पद का सुंदर सा उसमें सर्वनाम पद लिख लिख के एक चित्र बनाना है और अपने अध्यापक और अध्यापिका को दिखाना है कि आपने कैसे बनाया, सर्वनाम पद कौन कौन से होते हैं, और आपका आपने चित्र बनाया है उनको बनाकर दिखाइएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना सर्वनाम पद के बारे में और सर्वनाम पद क्या होते हैं और उनका कैसे प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग में कैसे, नपुंसक लिंग में वो क्या होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों में उसका प्रयोग किया जाता है। और अब हम नेक्स्ट पाठ में फिर से जानेंगे, आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आभार।